सुप्रभात। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज सेक्ट 5 वेलम श्री विजयनगर में इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य में हम सहजोबाई की भक्ति भावना पढ़ रहे थे। कल हमने इनके पद था उनकी सह प्रसंग व्याख्या की थी। आज फिर हम हाजिर हुए सहजोबाई की जो पद है उनकी सह प्रसंग व्याख्या के लिए। तो आप भी तैयार हो, हम शुरू करें। सहजोबाई, सहजोबाई ने संसार को मिथ्या माना है, संसार को नाशवान माना है। गुरु भक्ति में लीन चरणदास के शिष्य सहजोबाई ने अपने आराध्य चरणदास को ही सब कुछ मानते हुए उनकी आराधना की। तो क्या कहा था सहजोबाई ने, अब तुम मेरी ओर निहारो, आप मेरी तरफ देखो, मेरी अवगुण है उस पे मत जाओ, आपके जो यश है उसका पालन करो, आपकी शरण आने से भावसागर से पार होगे, आपकी शरण आने से भावसागर से पार होगे, आपकी महिमा इतनी अनंत है कि वेद पुरातन गाई, और आप तो घट घट के अंतर्यामी हो और सबके क्या हो स्वामी हो, ये प्रार्थना कर रहे थे सहजोबाई। तो बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य अपने पढ़ रहे हैं सहजोबाई। सहजोबाई, सहजोबाई में एक पद निकाय दोहा आता है कि प्रेम दीवाने जो भय भयो मन को चकनाचूर, प्रेम दीवाने जो भय भयो मन का चकनाचूर, छपे रहे घूमत रहे सहजो देख हजूर। बड़ा ही प्यारा सा याद होना चाहिए अपने को। तो सहजोबाई की भक्ति भावना में अपने गुरु महिमा के दो पद पढ़ लिए। आज हम जो आगामी है वो पढ़ने जा रहे हैं, मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आप साथ साथ में उसको उतारते जाना, साथ साथ में समझते जाना। जहाँ आपको समस्या आए तो आप मुझे लिख के अवगत करवाएं, तो अपने वो जो त्रुटि होगी उसको सुधार लेंगे। तो चले सहजोबाई, तो आगे क्या बताते हैं, हमारे गुरु पूर्ण दाता, हमारे गुरु पूर्ण दाता। देखो एक पंक्ति लिखी है, इसमें ही हमें गुरु महिमा के बारे में पता चला कि हमारे गुरु है वो क्या है, पूर्ण दाता है, कि सब कुछ देने वाला है गुरु है। जो ये गुरु नहीं जो घर घर फिरते हैं भिक्षा मांगते, ये गुरु नहीं। सहजोबाई ने ऐसे गुरु की महिमा का गुणगान किया है, जो निर्मल पाक पवित्र, जिनका हृदय अंत्यकरण क्या हो साफ हो, ऐसे गुरु की महिमा का व्याख्यान करते हुए कहते हैं हमारे गुरु है जो पूर्ण है, दातार है, दूसरों को देता है। लेकिन आजकल जो गुरु है वो तो क्या है, मांगता है। तो लेकिन यहाँ पे सहजोबाई ने अपने गुरु की महिमा का व्याख्यान किया है। जैसे कबीरदास जी ने कहा था कि घर घर गुरु फिरते हैं, घर घर गलिहारी गुरु फिरते हैं, घर घर कंठी देत, घरों में गुरु घूमते फिर रहे हैं कि चेले कम पड़ गए इतने गुरु हो गए। तो ये बात इसमें बताई है गुरु अपने सहजोबाई कहते हैं हमारे गुरु है वो क्या है, पूर्ण रूप से दातार है, सब कुछ देने वाले हैं, ऐसे गुरु की महिमा का व्याख्यान कर रहे हैं कौन, सहजोबाई। तो क्या बताए हैं आगे देखो, कि हमारे गुरु पूर्ण दाता, अभ्य दान जिनन, अभ्य दान जिनन को दीने को दीने, अभ्य ज्ञान जिनन को दिन है किने बहुजन पास, किन्हें बाजल पार। आगे क्या बताया देखना, जन्म जन्म के बंधन काटे, जन्म जन्म के बंधन काटे,
जन्म जन्म के बंधन करते जम की बंद निवार जम की बंद निवार मेरे गुरु पूर्ण अंदाता। आगे पंक्ति और लिखते रंग हुए सो राजा किने रंग हुए रंग होते ते राजा किने हरि धन जियो अपार हरि धन दियो अपार मेरे गुरु गुरु दाता। देख सुनो क्या बताए मेरे ये चार पंक्ति इसका अपने व्याख्या करते हैं। सहजो भाई का सहज प्रकाश का ग्रंथ है गुरु महिमा से संबंधित। संसार को मिथ्या माना है, आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि गुरु चरणदास प्रश्न पूछ ले तो उनका तो गुरु है चरणदास, और संसार को मिथ्या मानते हुए गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए सहजो भाई ने बताया है कि पूर्ण रूप से दाता है। कैसे दाता है? उसने क्या दिए है उसको कहते हैं ऐसा दान दिए है जिसमें क्या है ऐ भय हो, किसी प्रकार का भय नहीं रहता। दान दिया है दीनन को दिए, मैं उसकी शरण में गई, मैं गरीब थी। गरीब का आशय यहाँ पे धन दौलत से नहीं है कि धन दौलत से गरीब होना यहाँ आशय नहीं है, यहाँ से आशय आध्यात्मिक की ओर कमजोर होना। तो क्या बताए हैं मेरे को ऐसा दान दिया जिससे मैं भय से रहित हो कि मैं गरीब थी मेरे को दान दिया, और जिस दान देने से मैं क्या होगी भाव जल से पार होगी, सांसारिक भाव सागर से क्या होगी पार होगी। नहीं तो क्या है कि लोग पुल के ही बस अपना जीवन यापन करके चले जाते हैं। जो सार्थक काम था ईश्वर बंदगी करना, ईश्वर का स्मरण करना, वो नहीं किया तो अपना जो जन्म है वो ऐसे ही चला गया। यही बात इसमें बताई है अपने सहजबाई ने बताया है कि जन्म जन्म के बंधन काटे जम की बंद निवार। कहते जन्मों जन्मों के ये बंधन को काट देते हैं। इसका से बड़ी ही गहराई की पंक्ति है ये कि जन्म जन्म के बंधन काटे। पता नहीं हमारे कितने के जन्म हुए और कितने के होने हैं। ये आवागमन का जो चक्कर है ये चलता रहेगा जब तक आत्मा परमात्मा में नहीं समाती। सहजो भाई के अनुसार जब आत्मा परमात्मा में नहीं समाती जन्मों का ये चक्कर ऐसे ही चलता रहेगा। जब महाभारत में श्री कृष्ण जी से धृतराष्ट्र ने पूछा कि मुझे 100 जन्म याद है, मुझे 100 जन्म याद है, मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके वजह से मैं अंधा हूँ। देखो जब ऐसा पूछा कि मैं 100 जन्म याद है मुझे लेकिन ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसका मैं आज उसका बदला भुगत रहा हूँ, उसका कर्मों का मैं आज उसको यहाँ पे कौन सा कर्म, आंखों से वो क्या थे अंधे थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको तवज्जो दी, उनको रोशनी दी तो बताया कि 108 जन्म पहले ऐसा कर्म किया था उसकी सजा आज भुगत रहे। देखो जन्म जन्म की खता पुरानी नाम ही देत फटे रे, जन्मों जन्मों की हमारी क्या है ऐसी भरा पड़ा है कर्मों का संचित और भरा पड़ा है, हमारे वो समाप्त नहीं होते, आगामी हम फिर कर लेते हैं। तो सहजो भाई ने क्या बताया है कि इनकी शरण जाने से, गुरु की शरण जाने से जन्म जन्म के हमारे बंधन है वो कट जाते हैं और फिर हमारा किससे पीछा छोड़ जाता है, जम की बंद निवार जमों से पीछा छोड़ जाता है। कहते हैं कि जब मृत्यु आती है यमदूत पकड़ के ले जाते हैं, जैसे अच्छे कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं उसी हिसाब से उसको आगे जन्म होता है। तो यही बात इसमें बताई है सहजो भाई ने, कहते हैं जन्मों जन्मों के बंधन कट जाते हैं और जम से छुटकारा मिल जाता है, उनके शरण जाने से और क्या फायदे हैं। तो देखो यह बताया है कि रंग होते थे राजा की नो, पहले मैं क्या थी, भिखारी थी, गरीबी थी,
अब मुझे क्या बना दिया, राजा बना दिया। जब ऐसी दौलत अंदर आ जाती है, राम नाम की दौलत अंदर आ जाती है, तो वो भिखारी से क्या बन जाता है, राजा बन जाता है, गरीब से राजा बन जाता है। देखो सुनो भाई कि रंग होते थे राजा की नौ, गरीब से मुझे क्या बनाया, राजा बनाया। ये जो शरीर है, पंच भौतिक शरीर है, ये चार, ये 6-7 फुट की जो देह है हम लेके घूम रहे हैं, 40-50 किलो भार को लेके घूम रहे हैं, इसमें अखुट भंडार है, इतना इसमें दौलत भरी पड़ी है कि निकालने वाला हो। एक जगह कबीरदास जी ने लिखा है कि अब दू अंधा धुंध अंधियारा, अब दू अंधा धुंध अंधियारा, जानेगा कोई चंदन हारा, या गठ भीतर बाग बगीचा यही सृजन हारा। देखो अंदर बाग बगीचे हैं और इसकी रक्षा करने वाला भी अंदर बैठा है बाग बगीचों की, ऐसा इसके अंदर अखुट भंडारा है। कहते हैं जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे खोजी सो पावे, गोरखनाथ जी ने कहा है जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे खोजे सो पावे, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में भी है, लेकिन खोजता वही पाता है अन्यथा ऐसे ही जीवन को बर्बाद करके चला जाता है। तो यहाँ पे सहजो भाई ने बड़े ही अपने विचार अपने सामने रखे हैं। तो क्या बताया है, मैं राज पहले मैं क्या थी, गरीब ने थी, मुझे उस दर्जे का क्या बना दिया, राजा बना दिया। और हरि धन दियो आपात, जो आई ना बात, हरि धन दियो आपात, हरि रूपी धन दिया है, ईश्वर रूपी नाम का मुझे क्या दिए है, धन दिए, जिससे मैं क्या हो गई हूँ, धनवान बन चुकी हूँ। वो कहते हैं ना, मीरा ने कहा था खर्चू लाख खत्म नहीं होए, दिन दिन बटत सुवायो। कहते हैं ऐसा धन है वो राम नाम का, उसको खर्चने से खत्म नहीं होता और दिन दिन उसको बढ़ने से बढ़ता ही जाता है आगे से आगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिसको पाए सुख दुख बोलियो, मन आनंद समायो, जिसकी चोरी कबू ना होए ऐसो रतन धन पायो। कहते हैं उसकी चोरी नहीं होती कभी, कहीं चले जाओ साथ में रहेगा वो अलौकिक शक्ति। तो इसी यहाँ पे सहजो भाई ने बताया है, मैं गरीब नहीं थी, मुझे राजा बना दिया गया, कब धन कौन सा मिला है, हरि धन मिला है, वो भी क्या है, अपार है, इसका कोई सीमा नहीं है, इतना मुझे धन मिला है। तो कौन किसने दिया है, ये हमारे गुरु है, वो कुल दाता है, उन्होंने ऐसा मेरे को क्या दिया है, ऐसा दान दिया है, जो निडर बन गई मैं। और ये दान कब मिला, मैं जब उनकी शरण में गई। देखो जब मैं इनकी शरण में गई, दीन बन के गई, गरीब बन के गई, तब ये मिला। जैसे तुलसीदास जी ने कहा था, कहाँ जाऊं का सो कहूं, कौन सुने दीन की। देखो इतने महापुरुष हो के भी अपनी नम्रता को नहीं छोड़ा, कहाँ जाऊं का सो कहूं, कौन सुने दीन की, तू ही गति अंगहीन की। कहते मैं कहीं नहीं जा पाता आपकी शरण के अलावा, आप ही मेरे गति हो, आप मेरे क्या हो, जो भी आप हो, आपके द्वार छोड़ के मैं कहीं जा भी नहीं सकता। तो यही बात यहाँ पे बताया, मुझे ऐसा दान दिया है, मैं उनकी शरण में गई दीन बन के, तो भाव सागर से पार हो गई। भाव सागर का आशय यहाँ पे सांसारिक मोह जाल, सांसारिक विषय विकार के हम जो आशिक बने फिरते हैं, उससे क्या हो गया, छुटकारा हो गया। जब ये संसार के भोग विलासा से जो विरक्ति पा लेता है, ईश्वर में जिसकी क्या लग जाती है, धुन लग जाती है, इसमें लीन हो जाता है, उसमें रत हो जाता है, तब ये चीज मिल पाती है, अन्यथा नहीं मिल पाती। तभी यहाँ पे बताया है कि मुझे ऐसा जब उन्होंने दान दिया, तो मेरे भाव सागर से मैं क्या होगी, पार होगी, भाव सागर से पार होगी। और रंग होते थे राजा की नौ, मैं क्या थी, भिखारन थी, और अब मुझे क्या बना दिया गया है, राजा बना दिया गया है। और आगे बताया, हरि धन दियो धन अपार, हरि रूपी जो धन दिया है वो अपार दिया है। आगे देखो, चले आगे देखो कि जन्म जन्म के बंधन काटे जन की बंध निवार, रंग होते थे राजा की ने हरि धन दियो अपार, देवे ज्ञान भक्ति पुनि देवे जो बतावन हार, तन मन वचन सकल सुखदाई हृदय बुद्धि उद्यार,
सब दुख गंजन पातक बंजन रंजन ज्ञान विचार साजन दुर्जन जो चली आवे एक ही दृष्टि निहार आनंद रूप स्वरूप भई लिप्त नाही संसार चरण दास गुरु सहजो केरे नमो बार में बार सहजो भाई गुरु को बार बार वंदना करती हुई क्या बताया है कि वो ज्ञान देवे ज्ञान की भक्ति ज्ञान रूपी भक्ति देते है और कोई धन दौलत नहीं देता ज्ञान रूपी भक्ति देता है और क्या बोलते हैं जो बतावन हार उसको पाने की युक्ति बताते हैं जो परमात्मा है ईश्वर है उसकी कैसे प्राप्ति की जाए उसके दर्शन कैसे किए जाए गुरु ये बताता है और वो किसके द्वारा बताएगा ज्ञान के द्वारा योग बता के युक्ति बता के वो ईश्वर से मिलान कराएगा तो क्या बताएगा कैसे कि तन मन वचन सकल दुख सुखदायी वो तन मन और वचन से शिष्य को क्या कर देगा निर्मल कर देगा पाक कर देगा पवित्र कर देगा उसका जो हृदय है वो अंतःकरण है उसको साफ करके तन मन और वचन से हृदय बुद्धि उद्यार हृदय के अंदर एक नई बुद्धि एक ऐसी बुद्धि का जो उद्यारा करता है प्रकाश करता है जो अन्य से क्या हो भिन्न हो तो आगे क्या बताए है कि सब जो गुरु का जो अगर गुरु को जो पाता है उसका ध्यान देता है तो वो जो जीव है उसके सारे दुख है वो क्या हो जाते हैं दुख दंजन पाप का विनाश हो जाता है पापी है उसका भी क्या हो जाता है उदार हो जाता है पातक बंधन और जो रंजन ध्यान विचार अंदर से सब साफ हो जाएगा जब उसका ध्यान देंगे गुरु का ध्यान देंगे कहते ना बिसर गई सब तात पराई तब ते सास संगत मोही भाई नहीं कोई बेरी नहीं कोई बेगाना सकले जत हम कर आए जब उनके शरण में जाते हैं कोई बेरी नहीं रहता कोई दुश्मन नहीं रहता सकले जत पूरे संसार को एक रूप से देखता है वो देखो यही बात इसे बताई है कि जब उसके शरण में गए का विनाश हो गया पापी थे उसका भी क्या क्या उदार हो गया ऐसा ध्यान विचार देने से वो क्या होगा हृदय उसका निर्मल हो गया आगे देखो अब जो गुरु के शरण में जाते हैं कौन कौन जाते हैं साजन भी चले जाए और चाहे वो दुर्जन चले जाए सज्जन व्यक्ति भी जाए उसके शरण में चाहे दुर्जन व्यक्ति जाए वो स्वीकार करते हैं गुरु गुरु कभी मना ही नहीं करता कि मेरे शरण में कौन आया है कि जो पापी है उनका क्या हो जाएगा उदार हो जाएगा तो कहते हैं साजन दुर्जन जो चली आवे एक दृष्टि निहार दोनों को एक दृष्टि से देखते हैं ऐसा नहीं कि जो उनकी शरण में पापी गया उसका उदार नहीं होगा उनकी शरण में जाने से गुरु की शरण में जाने से पापियों का भी क्या हो जाता है उदार हो जाता है तो क्या बताया है कि साजन दुर्जन जो चली आवे एक ही दृष्टि निहार आनंद रूप गुरु है वो आनंद का रूप है ऐसा उसका स्वरूप है लिप्त नहीं संसार ये पंक्तियां देखो बड़ी महत्वपूर्ण है लिप्त नहीं संसार इस संसार में रहते हुए गुरु है वो संसार में लिप्त नहीं होते संसार की मोह माया में वो नहीं फंसते देखो जो माया का लोभी है वो गुरु नहीं हो सकता कहते ना माया महाठगनी हम करी जाने माया को महाठगनी मानते हैं ऐसा जो मानेगा माया से दूर रहेगा माया से लिप्त नहीं रहेगा वो गुरु होगा देखो कहते कबीर ने कहा था जाका गुरु अंधला चेला निरख अरंध जिसका गुरु अंधा होगा तो चेला तो बिल्कुल अंधा होगा तो ऐसे गुरु की महिमा का व्याख्यान किया गया यहाँ पे जो माया से क्या हो लिप्त न हो संसार से लिप्त न हो तो आप सहजो भाई ने बता दिया खुल के यहाँ पे बात कि लिप्त नहीं संसार यहाँ रहता जरूर है जिस प्रकार से जल में मुर्गाई रहती है कमल रहता है कभी अपने आप को उससे लिप्त नहीं मानता जिस प्रकार से शहद मक्खी होती है शहद भी चूस लेती है उड़ भी जाती है और कई ऐसे भी हैं जो शहद में लिप्त रह के अपने पंख को वही चस्पा करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो ऐसे गुरु की महिमा का व्याख्यान नहीं किया जो संसार में रहते हुए संसार से अलग है कितने घर में रहो घर से बाहर जोग जुगत की रीत ऐसे गुरु होते हैं घर में भी रहते हैं घर वालों से बाहर तो क्या बताएंगे आगे
आनंद रूप है, संसार में वो लिप्त नहीं है, शरणदास है। गुरु की महिमा का आपको वर्णन किया गया, शरणदास किसके गुरु है, सहजो भाई के गुरु है। कहते ऐसे गुरु को मैं बार बार क्या करती हूँ, वंदना करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, उनके पैरों को स्पर्श करती हूँ। देखो ये गुरु महिमा का विख्यान किया सहजो भाई ने अपने शब्दों में, बड़े ही अच्छा पद है, बार बार पढ़ने का मन करेगा जब आप इसको पढ़ोगे। जब इसके साथ प्रेम पालोगे, स्नेह पालोगे, स्नेह नहीं है तो पढ़ने का आनंद नहीं है। इसके प्रति पहले स्नेह पालो, प्रेम पालो। सहजो भाई उठते बैठते चलते अब तुम्हें मेरी ओर निहारो, मेरी अवगुण पे मत जाओ, इस प्रकार से इनकी जो पद है वो पढ़ते जाए। अब सुनो, गुरु महिमा का व्याख्यान किया, गुरु के बारे में बताया, गुरु क्या है, गुरु ने क्या हमारा छुटकारा किया, क्या दिया ऐसा जिससे मैं क्या होगी, भवसागर से पार होगी, मुझे तन मन और वचन से क्या किए है, तन मन वचन से मुझे निर्मल बनाया, पाक बनाया, जिससे मेरे हृदय में क्या हुआ, बुद्धि का उजियारा हुआ, ये बात सहजो भाई ने बताई है। तो आनंद रूप स्वरूप में लिप्त नहीं, संसार आनंद के रूप में वो क्या है, लीन है, संसार में लिप्त नहीं है। देखो एक बात थी कि उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया है, मैं गरीब थी, भवसागर से पार हो गई, जन्मों जन्मों के बंधन काट दिए, जब से मुझे छुटकारा मिल गया, राजा से क्या बना दिया, सॉरी यहाँ भिखारी से या गरीब से मुझे राजा बना दिया, ऐसा धन दिया है, अपार है, जिसकी महिमा का विख्यान नहीं कर सकते। वो क्या देते हैं गुरु, वो वे देते हैं ज्ञान की पंक्ति बताते हैं हमें, ऐसा युक्ति बताते हैं उनके मिलने की गुरु, वो तन मन से हमें शुद्ध कर देते हैं, बुद्धि में किसका उजारा कर देते हैं, ऐसे हृदय में उजारा हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है। कहते नाम जपट कोटि सूर्य उजियारा, नाम जपोगे कोट सूर्य की रोशनी अंदर आ जाएगी। वही बात उसने बताई है कि हृदय में बुद्धि का क्या हो जाएगा, उजियारा हो जाएगा, सब दुखों का, पाप करने वाले पापियों का वो क्या है, उदार करने वाला है, ऐसे विचार है सहजो भाई के। तो साधन हो चाहे दुर्जन हो, उसके पास जाते हैं, एक दृष्टि से वो देखते हैं, आनंद रूप है वो, संसार में लिप्त नहीं है। चरणदास उनके गुरु है, सहजो भाई कहते हैं गुरु को मैं वंदना करती हूँ, बार बार प्रार्थना करती हूँ, उन पर भले जाती हूँ, नौछावर होती हूँ। ये है सहजो भाई की गुरु महिमा। सहजो भाई की और जो पद है आगामी क्लास में पढ़ेंगे, आज बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।